आज की हमारी क्लास में हम लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूले से शुरू करेंगे, मतलब कि हम पहले वी लुकअप से डेटा को शुरू करेंगे। लुकअप मेथड होता क्या है? लुकअप मेथड होता है कि एक पर्टिकुलर डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पे डेटा को लुकअप करना। जैसे कि आप कॉलेज में जाते हैं तो क्या होता है कि आपके अपना एम्प्लॉय को डालते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है कॉलेज के वेबसाइट पे। आप बैंक पे जाते हैं, बैंकर को अपना अकाउंट नंबर देते हैं, वो हजारों अकाउंट में से आपका अकाउंट डिटेल्स निकाल देता है। तो एक ऐसे होता है, इसको लुकअप मेथड कहते हैं कि एक आईडी आपने शेयर किया और उस आईडी के बिहाफ में पूरा का पूरा रिजल्ट जो है ढूंढ के दे देता है। तो सेम चीज यहां पे करने वाले हैं कि मेरे पास एक तकरीबन 4000 के आसपास डेटा है और ये हमारा यूनिक आईडी है। अब हमें क्या करना है कि यूआन 5 से ऐसे हमारे पास कुछ आईडी मिले हैं, मुझे इसका पूरा डिटेल चाहिए। अगर वी लुकअप ना लगाएं तो क्या करना होगा कि आपको एक एक जाके सर्च करना होगा, इसमें एक एक को सर्च करना, फिर आप इसको कॉपी करेंगे, दैन पेस्ट करेंगे। दो तीन हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा हुआ और आपको बार बार करना हुआ तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो क्या करेंगे इसमें, हम इसमें हम लगाएंगे वी लुकअप। वी लुकअप फॉर वर्टिकल लुकअप, क्योंकि डेटा मेरा वर्टिकल है। अब वी लुकअप में देखिए क्या है कि लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। सबसे पहले बात करते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जिसको ढूंढना है वो हम इसको सिलेक्ट करें। बारी आती है टेबल एरे कि कौन से डेटा में, तो डेटा में हमने आया और अपना एक डेटा को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा हम ढूंढ किसको रहे हैं, आईडी को। तो हमारा डेटा में सिलेक्शन आईडी से होना चाहिए, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि डेटा में आईडी सबसे पहले होना चाहिए। और इसमें मुझे चाहिए डेट, क्योंकि एक सेल में किसी एक सेल का लुकअप होगा तो हमने जो सिलेक्ट कर दिया ए से क्यू तो हमें बताना होगा कि कौन है। तो यहाँ पे ए और बी टू, यहाँ पे हमें कॉमा टू करना होगा और फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने। अब इसको यहां से इसको हम फ्रीज करेंगे और ड्रैग करेंगे। नहीं ड्रैग करेंगे तो आपको हर सेल में आपको वन बाय वन इस तरह से लगाना होगा कि वी लुकअप। आपने डेटा को सिलेक्ट किया, अब इसमें हमें कॉलम नंबर की डेट के बाद सेल्स मोड चाहिए तो 1 2 3 तीसरा नंबर एंड कॉमा 0। ऐसे सी आई डी चाहिए तो अगेन वी लुकअप, हमने सिलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ हो जाएगा कॉमा 1 2 3 4 4 0। अब 0 क्यों करते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए। तो ऐसे अगर एक एक करके लगाना हुआ तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको फ्रीज कर देते हैं। यहां पे ए को फ्रीज किया ताकि ए बी ना बन जाए और इसको फ्रीज किया, लेकिन नीचे ड्रैग करें तो 2 जो है 4 3 4 हो, इसलिए 2 के आगे हमने डॉलर साइन नहीं लगाया। मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करें, फिर भी एक काम इसमें रह गया कि जितने भी नंबर्स हैं वो आपको तो मैन्युअली देने पड़ेंगे। मतलब आपका फॉर्मूला ड्रैग करने से तो लग गया, लेकिन हर सेल में जो उसका कॉलम नंबर है वो तो आपको मैन्युअली देना पड़ेगा। अब यहां भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि इस तरह से तो देना थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लीजिए 500 से 50-60 ही कॉलन हुए तो काफी दिक्कत होगा। तो इसका सलूशन क्या है, इसके कई सारे सलूशंस हैं, इसके हमारे कई सारे सलूशंस हैं। तो सलूशन ये है कि एक सलूशन यहां पे है कि हम एक इंसर्ट करेंगे रो को, यहां देते हैं 2 और यहां किया और इसको ड्रैग कर दिया। अब यहां पे मैं वी लुकअप लगाता हूं। वी लुकअप
हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया, और यहां जो 2, 3 देते हैं उसके जगह पे हम इसे ऊपर को सिलेक्ट करते हैं एंड कॉमा 0। अब इसको हम पूरा एरिया में ड्रैग करेंगे, लेकिन ड्रैग करने से पहले फ्रीज करना जरूरी है, तो हमने इसको फ्रीज किया। ओके, समझाया सबको, एक तरीका एक है, लेकिन इसमें आपको एक एक्स्ट्रा रो ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें जो है एक और तरीका है, हमने लास्ट क्लास में हमने कॉलम दिया था, कॉलम का फॉर्म, कॉलम हमने लिखा था, जिस कॉलम में आप लिखते हैं उस कॉलम का रो नंबर आपको दे देता, कॉलम नंबर दे देता है। तो अगर हम यहाँ पे कॉलम करके डेटा को इसको सिलेक्ट कर लिया तो भी हमको यहाँ मिलेगा। अब वीलुकअप में हम मैनुअली 2 ही लिख रहे हैं ना, तो क्यों ना हम कॉलम का यूज करें। तो वीलुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया और इक्वल हमने दिया कॉल और इसको सिलेक्ट कर कॉमा। और फिर इसको ड्रैग करेंगे और फ्रीज कर देंगे। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब इसको आप इसको इस तरह से ड्रैग करते हैं तो आपका जो कॉलम का हेडिंग का सीक्वेंस और डेटा के हेडिंग का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम है यू कैन यूज इट, बट डिफरेंट है तो फिर ये आपका बेनिफिशियल नहीं होगा। अब बात आती है कि मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, जब मैं जॉब करने के लिए गया था 2008 या 2009 में, तो पूछा गया था कि हमने यहाँ पे वीलुकअप लगाया, मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो आपने क्या किया, वीलुकअप लगाया, ड्रैग किया, एक एक का रो चेंज किया या ऊपर नंबर दे दिया, तो एटलीस्ट आपको ड्रैग तो करना पड़ रहा है, कई सारे वीलुकअप लगाने पड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक सेल में मैं वीलुकअप लगाऊं और बाकी उस सारा डेटा आ जाए। अब थ्योरिकल जो है ये परफॉर्म नहीं करेगा, क्यों, हमें जितने सेल उतने वीलुकअप तो लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ लगाऊंगा एक बार, फ्रीज व्रीज नहीं करूंगा, मैं क्या बोलते हैं उसको ड्रैग सेलेक्ट नहीं करूंगा। तो उसका तरीका यह है कि आप सेलेक्ट कीजिए जितना आपको डेटा है वो सेलेक्ट कीजिए, अपने कॉलम का हेडिंग और इस हेडिंग को मैच करके उसका कॉलम नंबर कहीं पर नोट कर लीजिए। उसके बाद वीलुकअप हमने सेलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 17। अब यहां पे सिक्वेंसली जरूरी नहीं है, सिक्वेंसली जरूरी नहीं है, आपने कॉलम के सिक्वेंस के अकॉर्डिंग कॉमा हमने यहां पे 0 कर लिया। अब यहां पे आपको नॉर्मल एंटर नहीं, कंट्रोल सेव्ड एंटर प्रेस करना, जी हाँ, कंट्रोल सेव्ड एंटर। ओके, आया समझ में सर? सुधीर जी, ठीक सर, एरे फॉर्मूला बन गया ना सर? एरे बन गया। अच्छा एक बार मैं और बता देता हूँ, ठीक है, अब आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है ना, तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। आप वीलुकअप करें, इसको सेलेक्ट करें, डेटा में जाए और कर्ली ब्रैकेट में आप जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
अब मैं यहाँ पे जस्ट एंटर प्रेस करूंगा अपने आप आ गया सर। ओके लेकिन यहाँ पे आपका जो है फिक्स नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे फिक्स हुआ देखिए एक दो चीज देखिएगा, ऊपर देखिए एक हाइलाइटेड है एक पूरा नॉर्मल फॉर्मूला की तरह दिख रहा है, लेकिन जब मैं नीचे करूंगा तो एक क्या होगा ग्रे कलर में होगा है ना। ओके तो एक कब सही होगा जब इस पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर तो वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, ये एरर फॉर्मेट है। क्या होता है एरर फॉर्मेट समझिए, देखिए क्या होता है कि आपको मान लीजिए एक से लेके पांच तक लिखना है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख सकते हैं, या आप सिलेक्ट कर ले और यहाँ कर्ली इक्वल देके कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 लिख दे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर, तो ये क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो एरे का अगर डेफिनेशन देखें तो उसका यही है सिक्वेंसली डिस्ट्रीब्यूट करना। आगे चल के आपकी जो है जो मंडे की क्लास होगी उसमें एरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। लेकिन होता क्या है कभी कभी हमारे पास कि हमें एक सिलेक्टेड डेटा चाहिए होता है, वो चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ पे आप कभी सेल्स मोड मांगा है, आप खुल के डेट पे सेल्स मोड की जगह पे प्रोडक्ट मांग देगा, तो ऐसा हो कि कॉलम के फील्ड के अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का, तो बड़ा करता हूँ मैं मैच का। मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल्स वैल्यू को किसी रो एंड कॉलम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलता है उसमें लुकअप करता है, और लुकअप करने के बाद बताता है कि उसका कॉलम नंबर या रो नंबर क्या है। मैंने वी लुकअप लगाया, इसको सेलेक्ट किया, टेबल में गए, डेटा को सेलेक्ट किया कॉमा। अब यहां पे जो हम रिपोर्ट देंगे उसे चाहे कि मैच को कॉलम नंबर को मैच के लिए और कॉमा जीरो कर दिया। आ गया सेल्स मोड, मैं यहां पे करके डेट पे प्रोडक्ट डाल दूं, हो गया। तो प्रोडक्ट डालते ही ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब पूरे में करने के लिए आप क्या करेंगे, इस मैच को कॉपी कीजिए और इसमें आप उसको और यहां पे हम आगे बढ़ने से पहले इसको फ्रीज कर देते हैं, डेटा को फ्रीज करते हैं। इसको फ्रीज किया, इसको इसको ड्रैग कर सकते हैं। नहीं बाहर नहीं बाहर अब आते हैं आगे। अब इस बार क्या है कि थोड़ा सा डेटा में चेंज कर प्रॉब्लम आप लोगों की होती होगी सर कि मैं अभी मैं यहां पे थोड़ा सा आईडी भी चेंज कर देता हूं। अगर मैं यहां पे 151 देता हूं, लगाता हूं वीलू का, इसको सेलेक्ट किया और डेटा को सेलेक्ट कर लिया, तो अभी क्या है कि हम यहां से सिलेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमने बताया कि हम जिसको लुकअप कर रहे हैं हम उसी को सिलेक्शन करेंगे। जैसे ए आपका जो 151 है वो पहले नंबर
जिस जहां सिलेक्शन है उसके पहले कॉलम में ही मैच करेगा, बाद बाकी कॉलम में मैच नहीं करेगा। सो आपको सिलेक्शन करना है। तो नतीजा ये हुआ कि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू लेफ्ट मोस्ट कॉलम को ही लुकअप करेगा, इससे पहले के कॉलम को लुकअप नहीं करेगा। इसका क्या तरीका है? अब आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो आप लगा सकते हैं एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू किसमें मैच करना है, तुमने बोला इसमें मैच करना है। रिटर्न क्या करना है? तो मान लीजिए मुझे सेल्स मोड चाहिए तो सेल्स मोड रिटर्न करना है, तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन पुराना एक्सेल है जिसमें एक्स लुकअप नहीं है, 13 है, 16 है, 10 है, तो क्या होगा? तो आपको यहां पे एक मैच का फॉर्मूला लगाना होगा। मैच मैंने बताया था कि मैच वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों चलता है, कॉमा हम देंगे 0, रिजल्ट आएगा यहाँ पे 2, रिजल्ट आ गया। अब यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला है इंडेक्स का। तो इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि एक एरिया में, जैसे कि एक सिलेक्टेड एरिया में से जितना नंबर रो और जितना नंबर कॉलम कहते हैं उसका रिकॉर्ड दे देता है। तो हमने बोला यहाँ पे कि 2 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम, तो यहाँ पे हमारा सेल्स मोड आ गया। तो मैच और इंडेक्स इकट्ठा लगाने पे होगा। अब इकट्ठा किया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं इसको, या इकट्ठे लगा लीजिए अगर लगा सके तो। तो मैच और इंडेक्स को कंबाइन करेंगे तो एक्स लुकअप की तरह परफॉर्मेंस हमें देगा। देखिए एक दिक्कत है कि हमें पूरा डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि डेट में डेटा में नीचे और आगे की तरफ बढ़े तो हमें इंडेक्स को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा तरीका है हमारे पास ऑफसेट का। ऑफसेट फॉर्मूला भी जस्ट लाइक इंडेक्स की तरह परफॉर्म करती है, लेकिन इसमें हमें स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देना होता है। हमने दे दिया A1 से डेटा हमारा स्टार्ट है और हमने बोला 2 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम। अब यहाँ पे रिजल्ट गलत आएगा। क्यों गलत आया? क्योंकि ऑफसेट अपनी काउंटिंग 0 से करता है। अगर हमने 2 दिया तो काउंट करेगा 0, 1, 2, मतलब कि 3 रो। इसलिए हमेशा 1 माइनस किया कीजिएगा इसमें। तो वी लुकअप कितना होगा? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास एक्स लुकअप का डेटा है तो इसका इस्तेमाल करें, एक्स लुकअप है लेटेस्ट है तो, या मैच इंडेक्स को इस्तेमाल करें, या इंडेक्स ऑफसेट और मैच को यूज करें। ऑफसेट एंड मैच। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब मेरा डेटा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जैसे यहां पर हम राइट क्लिक करके डेटा को ट्रांसपोज करके हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब यहां पे वी लुकअप तो लगेगा नहीं, तो क्या करें? इसे मुझे 155 का मान लीजिए कि क्वांटिटी चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एच लुकअप का, हॉरिजॉन्टल लुकअप। हमने इसको सिलेक्ट किया, टेबल को सिलेक्ट किया, अब वी लुकअप की तरह, बिल्कुल वी लुकअप की तरह, और क्वांटिटी का रो नंबर 6 है तो 6 डाल दिया एंड कॉमा 0। आपके सामने 62 आ गया। अब इसको हम एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं। एक्स लुकअप भी एच लुकअप वी लुकअप दोनों का काम करता है। लुकअप वैल्यू और हमें देना है कि कहां लुकअप करना है तो इसमें, रिजल्ट किसमें से लेना है तो इसमें, या फिर आप इसमें मैच इंडेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैच हमने इसको सिलेक्ट किया, वैल्यू को हमने मैच किया यहां पे 0, कॉलम नंबर 6 आ गया। अगर आप इंडेक्स देते हैं तो आपको पूरा एरिया सिलेक्ट कर लीजिए, कॉलम नंबर आप दे दीजिए 6। अब 6 मतलब इसका 6, ये नहीं, ये मैच का रिजल्ट नहीं। तो मैच ने कॉलम नंबर निकाला, हमने रो नंबर 6 दिया और कॉलम नंबर 6 ये सिलेक्ट कर लिया। और सेम ऑफसेट मैच भी लगा सकते हो कि ऑफसेट स्टार्टिंग ऑफ द डेटा रो नंबर, तो रो नंबर हमने दिया यहाँ पे 5, एक कम दिया जाता है 6 है तो 5 लेंगे, और यहाँ से कॉलम नंबर में 6 माइनस 1।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करें इसको। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब इसमें अब बात करते हैं कि लास्ट में 0-1 का क्या बनना है। तो चलिए हम यहां पे क्वांटिटी लेते हैं। आपको वी लुकअप जब आपको इफ का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, तो बताया था कि 0 to 40 होगा तो 500 एक स्लैब दिया था, 41 to 80 है तो 1000, 81 to 100 है तो 1500, और ग्रेटर देन 100 है मान लीजिए 5000। इसको भी हम वी लुकअप से कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबका स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे डाल दीजिए, यहां भी लुकअप बताया इक्वल वी लुकअप, हमने सेलेक्ट किया लुकअप वैल्यू कॉमा 1 and 2 कॉमा 0। तो 0 कर दिया मतलब एग्जैक्ट मैच हो गया। अब यहां पे 1 कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, देखिए रिजल्ट आ गया। तो एक ग्रुप लुकिंग करता है, अब इसने देखा कि 69 किसके बीच में है, 69 बीच है इसके, इसने 1000 शो किया। लेकिन अगर आपको लिख के लिए आपको यहां रिजल्ट रखना चाहता है, आप चाहते हैं कि ये डेटा जो है अंदर ही रखे फॉर्मूले के लिए, तो आपके पास एक लुकअप का भी फॉर्मूला होता है। लुकअप कर्ली ब्रैकेट में जाइए और यहां पे आप 0, 41, 81, 101 कॉमा, फिर यहाँ पे हमने कर दिया 500, 1000, 1500 and 5000। अब चलिए कुछ ट्रिक्स के बारे में देखते हैं। हमने वीलुकअप का टॉपिक कवर कर दिया, अब ट्रिक्स कुछ देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास डेटा है, तो आप जो है मान लीजिए कि पूजा का हम यहाँ पे लिखेंगे कि पूजा का मुझे टोटल चाहिए, मैं चाहिए क्वांटिटी चाहिए, तो आप यहाँ पूजा को लेंगे और यहाँ से लुकअप कर देंगे कॉमा 2, 0 टू नहीं 3 होगा ना 3। एक कंडीशन लगा सकते, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे यहां पे पूजा का जो डीवीडी का सेल है वो चाहिए, मतलब मैं यहां दो कंडीशन को मैच करना चाहता हूं। तो कैसे करूं, तो यहां हम करते हैं कॉमा करते हैं कॉलम ऐड करते हैं, इसमें कविता और प्रोडक्ट को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक नया मैचिंग लिस्ट बना लेते हैं। जब मैं यहां भी लुकअप लगाऊंगा तो यहां भी पूजा डैश डीवीडी सिलेक्ट करूंगा और टेबल को सिलेक्ट किया कॉमा 4, 2 आ गया। तो यहां पे जो है आप दो या दो सब, तीसरा कंडीशन है तो आप 3 कॉलम को ऐड करेंगे, 4 कंडीशन है तो 4 कॉलम को ऐड करेंगे, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास मान लीजिए कि डेटा है यहां पर, अब यहां पे मान लीजिए मैं लिख देता हूं सुजीत, अब मैं लुकअप करूंगा यहां पे सुजीत कुमार दूंगा तो होगा, अब सुजीत पे मैं वीलुकअप लगाऊंगा तो नहीं होगा। नहीं हुआ, लेकिन कब अगर मैं इसके आगे पीछे अगर स्टार लगा देता तो हो जाएगा। तो हमने दोनों तरफ स्टार लगा देने कंटेंट, चाहे सुजीत कुमार हो या कुमार सुजीत सिंह हो, सुजीत कहीं भी हो चलेगा, आपका लुकअप कर देगा। लेकिन मैं लिखा यहां पे सुजीत, अब
ये होता है एंड बिंदु कि सुजीत लास्ट में होना चाहिए, जैसे कुमार सुजीत, सिंह सुजीत, तो लुकअप करेगा। और दूसरा आता है कि मैं सुजीत लिखा और स्टार, कि पहला वर्ड सुजीत होना चाहिए, सुजीत के बाद जो भी हो सब चलेगा। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसमें हम लुकअप के चैप्टर में लास्ट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे अभी जो दो पहर में हमसे पूछे हैं कि लिस्ट निकालना। सुधीर जी का प्रॉब्लम है, हम उसी पे डिस्कस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे एक, मेरे पास एक डेटा है, उसमें से मुझे यूनिक रिकॉर्ड निकाल, लिस्ट निकालना है, यूनिक लिस्ट। तो कैसे निकलेगा यूनिक लिस्ट? तो मुझे मान लीजिए कि नेम का यूनिक लिस्ट चाहिए। तो यूनिक लिस्ट निकालने का दो तरीके, आप इसको अगर कॉपी करें, पेस्ट कीजिए, और डेटा मेनू बार में हमारे पास होता है रिमूव डुप्लीकेट, इसको कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैनुअली करना पड़ेगा, मैं भैया फॉर्मूला चाहता हूं। तो आपके लेटेस्ट वर्जन का एक्सेल है, तो उसमें एक यूनिक नाम का फॉर्मूला होता है, उसमें आप यहां अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर मारिए। यहां देखिए आपके सामने यूनिक आ जाएगा। आ गया सर? लेकिन मुझे यूनिक चाहिए तीन चार कंडीशंस में। मेरा प्रोडक्ट, मैंने कविता और प्रोडक्ट, मैंने ये दो दो चाहिए ना, दो में हम दो करना चाहते, तो मैंने इसके बगल में लिख दिया मुझे। और यहाँ कविता और प्रोडक्ट का यूनिक चाहिए कि कौन कविता, हमें कविता ने, मान लीजिए कविता ने रैम तीन बार खरीदा है, तो मुझे एक बार आना चाहिए लिस्ट। तो क्या यूनिक में डबल लेता है? यूनिक हमने इसको सेलेक्ट किया, यहां आप देखिए मोर देन वन ले दिया। ओके, बट इसमें च्वाइस नहीं दे रहा आप, सुधीर जी आपकी यही प्रॉब्लम थी ना सर? मेरे पास साउंड क्लियर नहीं आ रही, वो कई बार बीच में कट जा रही, मैं सुन नहीं पा रहा एक्चुअल में क्या आप बता रहे हैं। कई बार नहीं, 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 की बात कर रहा था सर। ये यूनिक तो इसमें 2019 में तो शायद नहीं है फॉर्मूला। जी हाँ, 2019 में नहीं है। तो कैसे होगा यूनिक, कैसे लाइएगा? 2007 में या उससे पहले के वर्जन में नहीं है तो कैसे होगा? उसका भी उपाय हमारे पास। तो मान लीजिए मुझे यूनिक चाहिए कविता का, मैं यहाँ पे नेम, यहाँ पे मान लीजिए मुझे नेम का यूनिक चाहिए, तो यूनिक फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? तो इसके लिए हम एक कॉलम ऐड करेंगे, यहाँ देखिएगा ध्यान से, काउंट इफ का फॉर्मूला लेंगे। कविता को सेलेक्ट किए, d2 by d2 कॉमा, हमने d2 को सेलेक्ट किया, तीनों को सेम सीक्वेंस में दिया। अब यहां पे हमने पहले वाले d2 को फ्रीज कर दिया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। तो इस काउंट इफ के फॉर्मूले ने क्या किया कि जब हम कोई नाम, कोई भी नाम सेलेक्ट कीजिए, उसका यहां पे यूनिक एक सीरियल नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5, जितना बार रिपीटेड है उतने सीरियल नंबर दे दिया। सुधीर जी समझ में आया आपको? सर एक मिनट सर, d2 से d5, ओके हाँ, उसने काउंट कर दिया कौन कितनी बार है। ओके, मतलब कि इसने क्या किया, काउंट जहां फॉर्मूला लगा ना उसे अपने से ऊपर वाले में काउंट किया। हाँ, सबसे जैसे जैसे नीचे आएगा ऐसे ऐसे सीक्वेंस बढ़ाएगा, तो हर किसी को सीरियल नंबर मिल जाएगा कि कविता पहला बार आया तो 1 मिलेगा, जैसे ही कविता दूसरा बार आएगा उसको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा।
डैश के साथ हम कंबाइन करते हैं, इसके नाम ठीक है। ओके अबे नाम कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत और, हमें ऐसा नहीं करना था, ये तो अलग हुई, जब मुझे किसी एक का चाहिए तो यहाँ पे, यहाँ पे ये जो मैं एग्जाम्पल बता रहा था कुछ और चीजें बता रहा था, अब यूनिक वाला भी निकाल दिया। मुझे मुझे क्या करना है कि सबका रिकॉर्ड चाहिए मुझे, कि एक मैं रिपीटेड वैल्यू शो करना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ, ये इसकी एग्जाम्पल दिखा दी, मैं ध्यान में वो आ गया, यहाँ सीरियल किया और मैं यहाँ पे देता हूँ काउंट, काउंट इफ बोला कि कौन सा नेम कितना, जैसे मैंने यहाँ पे पूजा डाला तो पूजा की टोटल आ गई कि 15-17 टाइम रिपीटेड है, और यहाँ पे हम इस फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उसमें बोला कि इसमें हम प्लस वन करते हैं अगर वो ग्रेटर देन 17 है, ग्रेटर देन 17 है तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज ऊपर में करे, मतलब कि हम जितना काउंट आएगा उतना ही सीरियल नंबर जनरेट करना चाहते, उतना ही सीरियल नंबर जनरेट करना चाहते हैं, और इसमें एरर आएगा तो हमने कल बताया था कि हम यहाँ पे इफ एरर का इस्तेमाल करेंगे, नीचे की तरफ हम ड्राइव कर देते हैं इसको, एक संभावित देता हूँ कि एक होगा तो जितना है उतना ही इसने बनाया। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाया और इसमें इसको सिलेक्ट किया डैश, और हमने पूजा को सिलेक्ट वन डैश पूजा, और फिर डेटा को लिया इसमें लिया, और हेडिंग के लिए नंबर डालने से अच्छा है कि मैं मैच का फॉर्मा लगा दूं जिससे हमारा हेडिंग मिल जाए, और हमने इसको ले लिया कॉमा जीरो। ये प्रॉब्लम आप लोगों के पास बहुत आती होगी कि एक डेटा कई बार रिपीटेड है, आपको चाहिए होगा। F4 यहाँ पे किया, इसको कर दिया, डेटा को फ्रीज किया, O6 का हमने 6 फ्रीज किया, और हमने इसको फ्रीज किया और इसको फ्रीज किया, और हमने इसको ड्रैग कर, यह इसमें दिक्कत हो सकता है एक एरर आने का, क्योंकि तो नीचे यहाँ ब्लैंक का तो एरर आ जाएगा ना, तो हम यहाँ पे इफ एरर लिख देते हैं, इफ एरर कॉमा। यहाँ एम ए फ्रीज होता है, एम को फ्रीज करना इसलिए दिक्कत है। ओके अब ये यहाँ जो भी नाम डालूंगा, यहाँ पे मान लीजिए हमने रेफरेंस डाला, REF रेफरेंस, रेफरेंस REF, सॉरी रेफरेंस पर ही होगा नाम है ना, T2 डाला यहाँ पे, T2 का आ गया, मैं यहाँ पे योगेश डालता हूँ, योगेश का आ जाता है सर। लेकिन आपकी प्रॉब्लम तो कुछ और थी ना सर, मेरा दिमाग यही यही काम, अगर इसमें एडवांस फिल्टर लगा दिया जाए तो एडवांस फिल्टर तो आई थिंक यही काम करेगा, बट प्रॉब्लम है कि एडवांस फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा ना उसे, उसे मैक्रो में कन्वर्ट, मैक्रो के साथ जोड़ देना, तो बटन दबाया और वो मैंने ऐसा किया था अलग। हाँ बट सेम सीट पे होगा ना, डिफरेंट सीट पे भी कर सकते हैं ना। हाँ डिफरेंट में लिमिटेशन है सर, ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम पे आते हैं कि कैसे करें, मोर देन मैंने यूनिक लिस्ट कैसे निकाले, एक यूनिक लिस्ट निकालने का तरीका तो मैंने बता दिया आपको, ये दो तरीके, आप बोले कि 2007 पे कैसे वर्क करें, उसके लिए हम काउंट इफ का ही यूज करेंगे।
से डी टू कॉमा डी, इसको ड्रैग करते हैं। फिर एक और कॉलम ऐड करेंगे और सेम फॉर्मूला हम इस वन पे लगाएंगे। से पहले वाले डी टू को हमें फ्रीज करना था, सर वो नहीं आ रहा। काउंट इफ इसको भी फ्रीज कर देते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर एन और हम यहाँ पे वन मैनुअल लिखते हैं और यहाँ पे देते हैं कि इफ इसमें प्लस वन करने पे मैक्स, इसकी मैक्सिमम नंबर से बड़ा है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज उप वाले प्लस वन पे। यहाँ पे कुछ छोड़ दिया है क्या? हाँ यहाँ पे डॉट डॉट, थोड़ी देर में फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा सर, 45 मिनट का ही होता है ना सर, इसलिए तो जितने यूनिक एक मिनट सॉरी मैं यहाँ पे मैक्स लगाना नहीं चाहिए, हमें काउंट लगाना है। काउंट इफ, काउंट इफ सुधीर जी, हेलो तो यहाँ पे हमने काउंट इफ लगा दिया हुआ है, इसे क्या पता चलेगा कि बता देगा कि कितने नंबर वन है, मतलब कितनी यूनिक लिस्ट है, और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं। फिर सर रिपीट करिएगा क्योंकि ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक काउंट लगाया जिसने बता दिया, जिसने क्या किया सारे नाम का सिक्वेंस नंबर दे दिया, उसके बाद फिर एक और काउंट इफ लगाया, उसमें हमने वन को इसमें जो सीरियल नंबर है उसको सीक्वेंस दे दिया, समझे? तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं और सिर्फ वन को, ये हमारे सारे यूनिक लिस्ट है, ये हमारे यूनिक लिस्ट होंगे। ओके दो बार रिपीटेड है वो पता चल गया आपको कौन कितना है। ओके ओके फिर मैंने यहाँ पे अभी क्या हुआ, इसके साथ हमने डैश लगा दिया और इसको सेलेक्ट कर लिया।
हमने ये भी जैसे पहला एग्जांपल किया है ना, सेम उसी तरह से। यहां पे हमने इसको सेलेक्ट किया डैश, हमने वन दे दिया वी लुकअप में, लुकअप के लुकअप वैल, और फिर हमने यहां से सिलेक्शन किया नेम तक ले गया, नेम हमारा पास में नंबर रहता है 5.0। तो जितने भी लिस्ट ऑफ नेम है आपको यहां पे दिख गया समझे? ओके। आप बोलेंगे सर डबल हुआ तो, डबल हुआ से पहले वाले जो मैं बताया था ना ये सिस्टम लेकिन किसी कोई ऐसा नहीं सर जो कोई एरे फॉर्मूला से या तो एक ही कॉलम में एक ही सेल में फॉर्मूला लगाए उसको ड्रैग करा दे तब वो यूनिक उठा ले। लेकिन फॉर्मूला है, फॉर्मूला वो भी फॉर्मूला है लेकिन बहुत बड़ा हैवी कर दिया सर। मैं जो किया जो उसमें एरे फॉर्मूले के थ्रू व्हील कप लगाया लेकिन वो सीट को थोड़ी हैवी हो जा रही है, वो काफी टाइम लगा रहा है कुछ। इसलिए तो मैं आपको सजेस्ट नहीं किया सर, तरीके तो बहुत है ना सर। ओके। लेकिन हम आपको वो तरीका बताएगा ना इजी टू यूज और इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा बात समझ गए, आपके बाकी लोग भी हैं वो एरे फॉर्मूला से फैमिलियर नहीं होंगे, नहीं समझ पाएंगे। और एरे के थ्रू चलते हैं तो आपको यहाँ पे चार लाइन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा सर। अच्छा मैं वो फॉर्मूला का एक बुक में है फॉर्मूला बुक में आपको दे दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है जैसे कि हम इस पे लुकअप लिस्टिंग पे थे ना, यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा स्टार्ट वैल्यू आ गई। अब मान लीजिए इसी को हम लेके चलते हैं, हमने को लिया अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल भी वीलुकअप का ही पार्ट है। यहाँ पे पूजा हमारी कई बार रिपीटेड है, अब मुझे जो रिकॉर्ड चाहिए, अब क्या अगर नॉर्मल वीलुकअप लगाऊंगा तो ये आएगा 89 यहाँ पे, सॉरी 51 है ना, 51 आएगा। लेकिन नीचे और भी पूजा है यहाँ पे, यहाँ देखिए 24, तो यहाँ पे कॉमा 24, इसके नीचे और भी है। ऐसे मुझे सारे के सारे मतलब पूजा के जितने भी क्वांटिटी है वो सारे क्वांटिटी एक सेल के अंदर में कॉमा कॉमा करके आ जाए। मतलब इस वाले एग्जांपल में जो बताया कि लिस्ट में आया ना सर, मुझे कॉमा में चाहिए सारे। ओके ओके हम यूज करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला। मतलब कि ये चीजें जो है वो आपको नॉर्मल लेटेस्ट लोअर वर्जन में नहीं होगा सर, भी यूज करना okay. यहाँ पे ब्लैंक को इंपटी करना है, हाँ करना है। यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगाएंगे, इफ नेम इज इक्वल टू कवि यहाँ पूजा, नेम इज इक्वल टू पूजा, तो क्वांटिटी को शो करे नहीं तो ब्लैंक शो करे। कैसे परफॉर्म किया इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा एरोलेट फॉर्मूला, फॉर्मूला सर पीछे स्कोर आ रहा है करेंगे तो एरोलेट फॉर्मूला। यहाँ देखिए सबसे पहले इसने मैच किया कि कहाँ कहाँ पर्टिकुलर नेम है, जहां जहां नेम है वहां वहां पे ट्रू दिया, और जहां पे ट्रू था वहां पे उसने वैल्यू कर दिया, और जहां पे फॉल्स था वहां पे उसने क्या कर दिया ब्लैंक कर दिया। और हमने टेक्स्ट ज्वाइन को बोला कि स्किप ब्लैंक, यहाँ ट्रू जो दिया हुआ है इसका मतलब स्किप ब्लैंक, ये ब्लैंक था उसको स्किप करके टेक्स्ट ज्वाइन को रिटर्न किया एक पर्टिकुलर नंबर, यहाँ पे सारे नंबर कॉमा कॉमा करके ऐड हो गया। लेकिन लोअर वर्जन में इसको करना है, इसको गूगल सीट पे कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं आप एक्सेल 365 में या 19 में। लोअर वर्जन में जाएंगे तो लोअर वर्जन में इसके लिए वीवी इस्तेमाल करना होगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं। लेकिन जैसे कि अभी क्या है कि हमने एक एग्जांपल बताया ना सर,
इस एग्जाम्पल को, ये तो बहुत लेंथी था लेकिन नॉर्मल, अगर आपके पास लेटेस्ट स्ट्रक्चर है तो इसमें हम यूज कर सकते हैं फिल्टर फॉर्मूला। जैसे कि हमने नेम यहां दे दिया पूजा, तो मैं यहां पे फिल्टर का फॉर्मूला लगाऊंगा, डेटा को सेलेक्ट करूंगा और हमें क्या इंक्लूड करना है, तो हमने बोला कि नेम वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कीजिए इक्वल टू, हमने बोला अपना पर्टिकुलर नेम पूजा, एंटर मारिए यार, तो जो नेम देंगे वो नेम आ जाएगा यहां पे इन द का। लेकिन ये फैसिलिटी लेटेस्ट एक्शन में, पुराने एक्शन में नहीं है। अब हमने हमारी कैटेगरी आगे बढ़ रही है, अब हम बात कर रहे हैं इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला में आ रहे हैं, तो कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको भी जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सब सब टोटल की। आप लोग सब टोटल यूज करते हैं ना, हाँ करते हैं सर, करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ और लगा, इसमें क्या होगा कि आप अगर कोई फिल्टर करते हैं तो सम ओवरऑल टोटल दिखाएगा, ना कि विजुअल सेल का। हमें यहाँ विजुअल सेल का टोटल चाहिए, तो वहां पे हम नॉ मैंने कि सम फॉर्मूले की जगह पे सब टोटल इस्तेमाल करते हैं, इक्वल सब टोटल। और सब टोटल में हमने यहाँ पे सम जो भी करना है कर सकते हैं, फिलहाल सम ले लिया और हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया, ये तो आप यूज करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है हम आपको बताते हैं, इसमें नहीं किसी भी फॉर्मूला, मान लीजिए नॉर्मल सम भी कर रहे हैं और एक जगह पे हमारा एरर आ गया, तो क्या लग रहा है हम सम कर पाएंगे, हमारा सम फॉर्मूला वर्क करेगा, नहीं वर्क करेगा। क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपके इनपुट में एरर हुआ तो आउटपुट भी एरर आएगा, और सेम चीज आपके सब टोटल में भी होगा कि अगर कहीं पे एरर है तो वहां भी एरर ही शो करेगा। तो आपको सब टोटल जैसे फीचर चाहिए और एरर को भी स्किप करना है, तो वहां पे एग्रीगेट फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। एग्रीगेट फॉर्मूला आपको 2016 ऑनवर्ड है, 13 या 16 ऑनवर्ड है, 13 में आई थिंक होगा, मैं सही से याद मुझे नहीं है, बट 16 में है। तो यहां पे हमने सम को सिलेक्ट किया, अब यहां बताना होता है कि क्या इग्नोर करना है, तो इग्नोर करने के अलग अलग तरीके यहां पे दिए हुए हैं, तो मैंने बोला इग्नोर हिडन एंड एरर, उसके बाद सिलेक्ट। अगर मान लीजिए आपके इनपुट में कोई एरर हुआ तो ये एरर को स्किप कर देगा और फिल्टर पे भी वर्क करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर मैं यहाँ पे इंद्र को सेलेक्ट किया तो मुझे सिर्फ इंद्र का टोटल दिखेगा, सब टोटल दिखता है। एग्रीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि वो फिल्टर वाले में, यहाँ भी मैं एग्रीगेट कर सकता हूँ सम के लिए। एग्रीगेट हमने यहाँ पे बोला कि मुझे सम करना है और हमने अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें अगला ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है छोटे मोटे फॉर्मूले हैं कुछ राउंड के, यहाँ पे राउंड के तीन फॉर्मूले हमारे पास। राउंड का फॉर्मूला है जो कि नंबर को नियरेस्ट वैल्यू करता है, दूसरा है हमारा राउंड अप जो कि इसको हमेशा अपर में लेके जाता है, और हमारे पास है राउंड डाउन जो हमेशा राउंड डाउन में यूज करते हैं, और जितना डेसिमल प्लेसेस डालना हो डालिए, मैं फिलहाल जीरो करता हूँ तो डेसिमल रिमूव कर देता है। ये तो डेसिमल को राउंड करने का ऑप्शन हुआ, अगर आपको नंबर को राउंड डाउन करना है, जैसे कि मान लीजिए बैंक में आपने गया 45,236 रुपए का आपको एफडी करवाना है, अब बैंक बोलता है नहीं भैया मैं ऐसे किसी अमाउंट की एफडी नहीं कर सकता, आपको अगर एफडी करवानी है तो 500 का मल्टीप्लेक्स चाहिए। 500 का मल्टीप्लेक्स कितना होगा, इसके लिए आप जो है सेलिंग या सेलिंग मैथ दोनों सेम है उसका यूज कर सकते हो। एक फ्लोर का फॉर्मूला होता है, फ्लोर या फ्लोर मार्क, ये नीचे की तरफ चलता है कि आप 45,000 का या फिर 45,500 का लगा सकते हो। तो नंबर को अपने हिसाब से राउंड करने का यूज किया जाता है।
ओके अब हम बात करते हैं इसमें डेटा समराइजेशन, जैसे कि मुझे पूजा का टोटल चाहिए। अब पूजा रिपीटेड है तो हमने कॉमा कॉमा लगा के निकालना तो सिखाया, लेकिन मुझे यहाँ पे उसकी टोटल वैल्यू चाहिए कि कितनी क्वांटिटी हुई, जैसे पिवट में आपको चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम सम इफ का फॉर्मा लगाते हैं। सम इफ, हमने रेंज को सिलेक्ट किया, हमने क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया और सम रेंज को सिलेक्ट किया। आ गया, मैं एक बार लगा बताता हूँ। मुझे T2 का चाहिए इक्वल सम इफ, हमने रेंज को सिलेक्ट किया, हमने क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया, नहीं उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज। इसलिए है कि मान लीजिए मुझे ग्रेटर देन 50 का चाहिए। अब हुआ क्या, ग्रेटर देन 50 पे आपको इंसेंटिव देना है ₹5 पर क्वांटिटी। तो आप ये देखना चाहते हो कि टोटल इंसेंटिव कितना देना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी का सम चाहिए बट ग्रेटर देन 50। हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे ग्रेटर देन 50 ले लिया। तो यहाँ देखिए 15,642 आ गया। अब एक चीज देखिए कि ऊपर में हमने 3 इनपुट दिया है। अब यहाँ पे सम रेंज दिख रहा है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट में ऑप्शनल है, मतलब सम रेंज एंड क्राइटेरिया रेंज बोथ आर द सेम, तो हम यहाँ पे सिर्फ सम रेंज ही डालेंगे। और इसी तरह से आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहां तो हमने लिखा है, लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 50 है और 50 को करना है, मैं इसके अंदर ग्रेटर देन 50 नहीं लिखना चाहता। तो यहाँ पे हम सम इफ हम सेलेक्ट करेंगे इसको अपने डेटा को, इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन जो भी है लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और एंड दबा रिजल्ट आया। उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे यहां पे पप्पू गुप्ता, अब मुझे यहां पे सिर्फ पप्पू है, यहाँ पे हम वी लुकअप सॉरी समिफ लगाते हैं। और समिफ में हमने दिया रेंज क्राइटेरिया एंड समिफ, रिजल्ट 0 आया। तो यहां भी वही चीज है जो मैंने वी लुकअप में बताया कि दोनों तरफ आप स्टार लगा दीजिए आ जाएगा और उसी का परफॉर्म होता है। अब यहां पे एक चीज और भी है कि मेरे पास तीन हमारे पास कुछ वेंडर्स होते हैं, तो वेंडर का या नेम नहीं होता है, वेंडर का कोड होता है और कोड जो है वो 2 डिजिट का 3 डिजिट का होता है। तो आपको ये करना है कि 3 डिजिट वाले का टोटल निकाल दो। आपने देख लिया कि नाम 3 डिजिट के हो ही नहीं सकते, तो 3 बार क्वेश्चन मार्क डालें और यहां पे सबमिट कर दें, सेलेक्ट किया कॉमा इसको सेलेक्ट किया एंड क्राइटेरिया दे दिया, आ गया बस क्वेश्चन मार्क। अब तो यहां पे आती बारी कि जब मेरे पास मोर देन 1 क्राइटेरिया है, तो यहां पे हम सम इफ नहीं सम इफ्स लगाएंगे। रेंज आपका क्राइटेरिया, पहली क्राइटेरिया क्राइटेरिया, दूसरी क्राइटेरिया दूसरी क्राइटेरिया, ऐसे तीसरी चौथी पांचवी सब यूज कर सकते हैं। और इसमें ये सारा कंडीशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं सम इफ्स के अंदर। अब इसमें अगर मान लीजिए एवरेज निकालना है, तो जैसे सम इफ आपने लगाया ऐसे हमारे पास एवरेज इफ होता है, सेम तरीके से लगता है। और एवरेज इसमें ये सारा चीज अप्लाई कर सकते हैं जो हमने सम इफ में किया है। और मोर देन 1 कंडीशन है तो यहां पे एवरेज इफ्स लगता है, एवरेज इफ्स, रेंज ऑफ एवरेज, पहली क्राइटेरिया, दूसरी क्राइटेरिया, दूसरी क्राइटेरिया। और इसमें भी आप पूरा यूज कर सकते हैं।
अब आता है काउंट। तो काउंट के बेसिकली तीन चार फॉर्मूले होते हैं। एक होता है काउंट जो कि सिर्फ नंबर को काउंट करता है, दूसरा होता है काउंट ए, नंबर टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है ब्लैंक को नहीं, काउंट ब्लैंक जो कि ब्लैंक को काउंट, सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। उसी तरह से हमारे पास आता है काउंट इफ, जो कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर रेंज में आप लगा सकते हैं, किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं। और काउंट इफ में भी ये सारा चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन वन कंडीशन में हम यहां पे काउंट इफ्स का इस्तेमाल करें। अब बात आती है मैक्स की, कि अगर मुझे पूजा का मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए तो आप मैक्स लगा देते हैं, इसकी मैक्सिमम नंबर आपका आ जाता है। सॉरी टोटल मैक्सिमम नंबर ये हुआ, लेकिन मुझे पूजा का मैक्सिमम नंबर चाहिए तो यहां पे मैक्स इप्स होता है। और ये लेटेस्ट एक्सेल में मिलेगा सर, पुराने एक्सेल में नहीं। मैक्स रेंज जस्ट लाइक सम इफ्स की तरह, क्या चाहिए आओ 2, 3, 4, 5 दे सकते हैं। और उसी तरीके से हमारे पास होता है मिन, हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने मिन इफ है ना, तो ये आपके सामने रिजल्ट हमारा आ गया। अब एक चीज और आती है कि मैक्सिमम तो निकला, ओवरऑल निकला ना सर, लेकिन मान लीजिए मुझे अगर आप मैक्स यहां पे यूज करते हैं तो ओवरऑल दिखाता है कि मैक्स, लेकिन मुझे यहाँ पे टॉप फाइव चाहिए कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से। पहला मैक्स तो ये आया, दूसरा मैक्स क्या होगा, तीसरा मैक्स क्या होगा, तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम यहाँ पे लार्ज का फॉर्मूला यूज करते हैं। लार्ज हमने इसको सेलेक्ट किया और इसमें से पहला लार्ज कौन सा है 90 है, दूसरा है कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इसके लिए ड्रैग कर। रिपीटेड होगा तो रिपीट आएगा। अब यहां पे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं तो देखिए उसी तरह से स्मॉल आपके पास फॉर्मूला होता है जो कि आप स्मॉल निकाल सकते हैं इसमें। इसको मैंने सिलेक्ट किया कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, अब इसमें हम एक डेटा को लेते हैं, आगे बढ़ते डेटा को। अच्छा मैं पढ़ाते हुए जा रहा हूं, आपको ऐसा लगे काफी ज्यादा हो रहा है, आपके दिमाग से ऊपर जा रहा है तो बोल दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। अब हमने आपको बताया, इन्होंने बात हुई थी, इनकी बात की थी एडवांस फिल्टर का। तो एडवांस फिल्टर क्या होता है, तो मेरे पास कई सारे क्राइटेरिया है कि मुझे सेल्स मोड का ऑनलाइन का डेटा चाहिए, ऑनलाइन में चाहिए, एक मिनट मैं हटा देता हूँ। मुझे ऑनलाइन का सिटी चाहिए, मुझे ऑनलाइन का डेटा चाहिए जिसमें क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 हो, फिर मुझे इसमें से T2 का डेटा चाहिए जो कि DVD प्रोडक्ट हो। ऐसे मान लीजिए मुझे योगेश का डेटा चाहिए जो कि लेस देन 80। इसके लिए हम यहां डेटा मेनू बार में क्या करते हैं, एडवांस फिल्टर इस्तेमाल करते हैं।
और यहाँ पे क्राइटेरिया हेडिंग होना चाहिए क्राइटेरिया का, ध्यान रखिएगा, हमने लिया एंड ओके, यहाँ पे मूव टू अदर लोकेशन लेकिन सेम सीट पे, ये आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा है। लेकिन इसके बिहाफ पे मुझे सम चाहिए, इक्वल हमने यहाँ पे सम, सम नहीं करेंगे हम, करेंगे डी सम, क्योंकि यहाँ पे सम इफ्स लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक डी सम डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला होता है, तो ये सारे फॉर्मूले एक तरीके से रखते हैं, एक फॉर्मूला सीख लीजिए तो बाकी सारे फॉर्मूले सीखे जा सकते हैं। यहां पे डी सम, तो डेटाबेस को सिलेक्ट किया, फील्ड कौन सा है हमारा, किसको सम करना है, क्वांटिटी को, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा है, ऐसे आपका डी सम में आ गया, ऐसे आपका डी काउंट है लगाने, डी काउंट है फॉर्मूला, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए, किस फील्ड का काउंट निकालना है उस फील्ड को सिलेक्ट कीजिए या लिख दीजिए इनवर्टेड कॉमा में, क्राइटेरिया दे दीजिए, डी मैक्स डी मिन, ये सारे फॉर्मूले यहाँ मिलेंगे, तो एक बार यहाँ देख सकते हैं इसका लिस्ट, आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा, ये रहा सारे फॉर्मूले एक तरीके से लगते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन से फॉर्मूले, जैसे कि इन्फो का फॉर्मूला, इन्फो का फॉर्मूला में क्या जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पीसी डॉस है, इन्फो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा एक्सेल का रिलीज कौन सा है, क्या गया, ऐसी एरर टाइप होता है, एरर के बारे में जानना है कि कौन सा एरर आ रहा है, तो यहाँ पे आप एरर टाइप, यहाँ पे सॉरी एरर टाइप दे सकते हैं। एरर टाइप में क्या है कि देखिए एरर कब, कौन सा एरर कब आता है, नल, जब किसी डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं और डेटाबेस के अंदर डेटा ब्लैंक हो, तो वहां पर नन हो तो यहाँ पे नल आएगा, डीआईवी किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो एरर आता है। वैल्यू, जब फॉर्मूला सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता, उसको इनपुट सही तरीके से नहीं मिलता तो वैल्यू का एरर आता है। रेफरेंस, जो रेफरेंस आपने दिया है वो डिलीट हो चुका है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या आपने रेफरेंस आउट ऑफ द लिमिट दे दिया है, जैसे कि आपने वी लुकअप लगाया ए से लेके जी तक और आपने 10 नंबर कॉलम दे दिया, तो जी तक के ये है आपने 10 दे दिया, मतलब कि आउट ऑफ लिमिट हो गया उसका। नेम का अर्थ कब आता है कि आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसका स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर वो फॉर्मूला इस वर्जन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो यह आएगा। उसके बाद नम का एरर कब आता है, ये रिपीटेड मैंने कि वैल्यू को रिपीटेड नहीं चाहिए, फॉर्मूले को रिपीटेड नहीं चाहिए, आपने रिपीटेड डाल दिया तो एन ने किसी भी लुकअप फॉर्मूला में आता है। हेडिंग डेटा एरर, जब आप डेटाबेस को किसी डेटाबेस से लिंक करते हैं और लिंक वर्क नहीं करता है, ये तो चीजें हैं, ये सब इस पे काम करता है, कनेक्टिविटी जब करते हैं अदर से तो वही सारी चीज आती है। तो आप जो किसी एरर सेलेक्ट करेंगे और एरर आएगा तो इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है टाइप का फॉर्मूला, अब टाइप का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि इसमें कौन सा टाइप है, डेटा टाइप क्या है वो बताता है, वन मतलब नंबर है, टू मतलब टेक्स्ट है, थ्री मतलब लॉजिकल है, इस तरह का छोटे मोटे हैं। उसी तरह से इच के फॉर्मूले हैं, जैसे कि इच ब्लैंक, अगर ब्लैंक हुआ तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स, इच एरर, एरर हुआ एन ए के अलावा, इच एरर किसी भी तरह का एरर हुआ, तो यहां पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इस दफा
फॉर्मूला यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, इसलिए अब चलिए इसी से रिलेटेड हम एक जो है एक प्रोजेक्ट करते हैं आपके साथ, छोटा सा प्रोजेक्ट है। डेटा हम इसी को ले लेते हैं, ये हमारा डेटा शीट हो जाता है, फाइल को हम सेव कर लेते हैं। अब मैं यहां पे पूजा का सेव करता हूं, इसका लिस्ट हम यहां पे बना दिया है, यहां पेस्ट करता हूं और डेटा में जाता हूं, रिमूव डुप्लीकेट। स्पेशल हमने यहां पे कर दिया ट्रांसपोज। अब मैं यहां पे मैं लगाता हूं समिफ का फॉर्मूला, समिफ यहां पे समिफ इफ्स सम रेंज, हमने बोला इसको सबसे पहला सिलेक्ट किया इक्वल, यहां पे मैंने दिया नेम, नेम में मैंने बोला पूजा, तो हमें पहले देना ही दे रहा है ना सम रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज हमने नेम दिया और इसमें हमने दिया पूजा, मैनुअल लिखा बाद में इसको ऑटोमेट करेंगे। क्राइटेरिया टू रेंज, और क्राइटेरिया टू में हमने बोला रेंज कॉमा, क्राइटेरिया टू में हमने बोला कि होना चाहिए ए, क्राइटेरिया थ्री में हमने सिलेक्ट किया और इसमें हमने प्रोडक्ट ऊपर का सिलेक्ट कर लिया है। सी बाई सी पूजा, डेटा ए बाई ए पूजा ए टू सही है, डेटा जी बाई जी पूजा बी वन, एक मिनट ड्रैग करना है, हमें F4 कर दिया, यहाँ पे F4 कर दिया, यहाँ पे F4 और यहाँ पे F4, उसके बाद हमने पूजा सही है, यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे हम A को फ्रीज करेंगे, 2 को रहने देते हैं और B को 1 को फ्रीज करते हैं। तो हमने एक समरी बनाया जो कि इस तरह से निकाल के देता है। अब यहाँ पे हमने जो मैनुअली पूजा लगाया है, अब मैं मान लीजिए कि दूसरे इसमें दूसरे शीट में इसमें चार्ट वगैरह कुछ और करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने इंसर्ट किया चार्ट, एक अच्छा सा चार्ट बना लिया, प्रॉब्लम यह है कि पूजा का मैं इसी सीट को कॉपी किया, अब इसका नाम मैं डाल देता हूं पूजा की जगह पे इंदर, नाम चेंज करते ही यहां चेंज होना चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि फिर मुझे यहां जाके इंदर डालना पड़ रहा है, ठीक है ना, मैं सीट पे कहीं इंदर लिख के उसको लिंक नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं सीट के नाम से लिंक हो, तो कैसे होगा, चलिए ये चीज। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेल का, सेल में हमने यहां पे नेम सेलेक्ट कर लिया और नेम में मैं कोई एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूं, ये क्या करता है कि पूरा का पूरा एक ए दे देता है पाथ और साथ लास्ट में सीट नेम होता है,
फिर मैं यहां फाइंड का फॉर्मूला लगाता हूं, फाइंड, और इसे बोलता हूं क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहां हमने सेलेक्ट कर लिया कॉमा वन। आगे 37, फिर मैं यहां राइट का फॉर्मूला लगाता हूं और बोलता हूं इसमें से इसकी कंप्लीट लेन माइनस क्लोजिंग ब्रैकेट हटा दो, आएगा सीट का नहीं। आपस में लिंक कर देता हूं, इसको उठाता हूं। इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं और यहां जहां पे हमने मैनुअली पूजा लिखा है ना उसके जगह पे पेस्ट कर दे। अब मैं सिटी को सीट को यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पे 0 0 आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे इंदर किया, आ गया सर। तो सुधीर जी समझ में आया आपको? हाँ सर, बढ़िया है सर। ये इसका इस्तेमाल आप ओके ओके यहाँ पे अगला ऑप्शन हम करते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल फॉर्म, फाइनेंशियली कुछ फॉर्मूले बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक लोन लिया 50,000 रुपए का, रेट आप था 5%, टाइम था 3 साल का, आपकी कितनी ईएमआई बनेगी? इसके लिए पीएमटी का फॉर्मूला है। अब मंथली कैलकुलेशन है तो डिवाइड बाय 12 कीजिए, टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, और पीवी हमारा 50,000। तो 1498 रुपये महीना जमा करेंगे तो 50,000 रुपये आपका पूरा हो जाएगा। उसी तरह से आप मान लीजिए, ये तो चल ठीक है, हमने कर लिया, ईएमआई निकाल लिया, लेकिन अब मेरे पास फ्यूचर वैल्यू है। मान लीजिए मुझे 50,000 फ्यूचर में चाहिए, रेट 6% है, और टाइम जो है हमारा वो मान लीजिए 5-6 साल का है, तो मैं कितना, हमारा कितना जमा होगा ईएमआई, मतलब कि मंथली, आप समझ रहे हैं सर? यहाँ पे लोन नहीं, यहाँ पे डिपॉजिट की बात हो रही है कि मैंने मुझे 50,000 रुपये 6% से 6 सालों में चाहिए, तो मैं महीने कितना जमा करूँ? इसके लिए भी लगेगा पीएमटी का फॉर्मूला, रेट डिवाइड बाय 12, टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, और यहां पीवी नहीं होगा क्योंकि हमें 50,000 फ्यूचर में मिलने वाले हैं, इसलिए यहां एफबी डालेंगे। तो 578 रुपए जमा कीजिए तो मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि मेरे पास ईएमआई है, मैं 2,000 रुपए का महीना जमा करने वाला, रहा है हमें मान लीजिए 5%, और टाइम जो है हमारा वो मान लीजिए हमारा 10 साल का है, तो कितना अमाउंट मिलेगा? तो यहां पे रहेगा एफबी, फ्यूचर वैल्यू, रेट डिवाइड बाय 12, टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, एंड यहां पे पीएमटी हो जाएगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं बोला कि मुझे मंथली जमा नहीं करना, 50,000 अभी एफडी करना चाहता हूं, रेट हमारा 5% है,
और टाइम हमारा मान लीजिए 2 साल, यहां भी पीवी लग गया, एफ बी सॉरी फ्यूचर में रेट डिवाइड बाई 12 टाइम मल्टीप्लाई बाई 12 और यहां पे पीएमटी नहीं, यहां पे पीवी होगा, तो ये आपका 55,000 मिलेगा 2 साल। लेकिन मान लीजिए मुझे फ्यूचर में मुझे चाहिए 50,000, रेट हमारा वही 5% है, टाइम हमारा 5 साल का है, तो मैं अभी कितना जमा करूं, अभी पीवी कितना जमा करूं, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कितना जमा करूं, तो उसके लिए पीवी का फॉर्मूला आएगा पीवी रेट डिवाइड बाई 12 टाइम मल्टीप्लाई बाई 12 एंड पीएमटी नहीं है यहां पे हमारे पास एफबीए फ्यूचर वैल्यू, ये आपके सामने निकल गया। अगर मान लीजिए मुझे रेट पता नहीं है, मुझे रेट निकालना है, तो क्या होगा, यहां पे रेट का फॉर्मूला लगेगा, रेट टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, पीएमटी नहीं है, पीवी हमारा ए है, पीवी हमारा ए है और एफबी हमारा ए है, पीवी एफबी टाइम लीजिए तो आपको आ जाएगा, अभी 0% आ रहा है क्योंकि ये मंथली है, इसमें देखें डेसिमल रखेगा डेसिमल होगा, इसमें मल्टीप्लाई बाय 12 कीजिए तो इसका ईयरली 5% कर दिया। ऐसे आपको टाइम निकालना है तो टाइम के लिए आप लगाएंगे फॉर्मूला एम पी ई आर, रेट को हमने डिवाइड किया 12 से, पीएमटी नहीं है, पीवी हमारे पास ए है और एफबी हमारे पास है, एक निगेटिव होना चाहिए ध्यान रखिएगा, 60 आया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 12 कर देता हूँ, 5 ईयर आ गया। तो ये जो थे हमने अभी आपको जो कराया वो कराया फॉर्मूले की लिस्ट, तो दो क्लासेस में मैंने आपको जो लिस्ट वाइज फॉर्मूले थे वो और कुछ ट्रिक्स को बताया, अब आप लोग अपने हिसाब से एक बार रिसर्च करें, और इसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूले छोड़ भी दिए हैं, तो अगर आपको लगा कि नहीं कुछ फॉर्मूले जो मैंने छोड़ दिए हैं लेकिन आपकी यूज का है, आप सीखना चाहते हैं, सर कौन कौन से छोड़े सर, उसकी एक लिस्ट बना दे और मुझे भेज दे, हम मंडे की क्लास में वो सारी चीज कवर करें। सर कौन कौन से छोड़े हैं आपने, सर बहुत फॉर्मूले छोड़े हैं सर, फॉर्मूला तो 300 से ऊपर है, हाँ मैंने आपको आस पास पढ़ाया सर, ओके ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलीज है वो सारा करा दिया है मैंने सर, कुछ रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशंस में मिल सकता है, आपके प्रोफाइल अकॉर्डिंग उसका यूज हो सकता है, अब मैथमेटिकल फॉर्मूला है अब साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इंजीनियरिंग फॉर्मूले है, इंजीनियरिंग की तो जरूरत ही नहीं है, डिप्रिसिएशन निकालना है, यील्ड निकालना है, ये सब चीजें तो फाइनेंस से भी यूज होता है ना सर, इसको सीखने के लिए आपका बैकग्राउंड फाइनेंस होना चाहिए, आप सीए होना चाहिए या फिर एमबीए इन फाइनेंस होंगे तो उसको समझ पाएंगे, क्योंकि वो जब तक उसके पीछे की मैथमेटिक्स को नहीं समझेंगे तब तक फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या फायदा है, क्या सर लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है हमारा एरर फॉर्मूला, तो मंडे के दिन जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे दो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, पहला है फॉर्मूला सिंपलाइजेशन, कि आप एक बड़े लेंथी फॉर्मूले को सिंपली करके सिंपलाइज करके कैसे लगाएं, जैसे कि नेम मेथड बड़ा यूज करना, दूसरा एरर फॉर्मूला का कंसेप्ट, कि एरर फॉर्मूला का क्या कंसेप्ट है और कहां कहां यूज हो सकता है, तो मंडे हमारी फॉर्मूले की लास्ट क्लास होगी सर, तो आपके पास अगर कोई लिस्ट कोई फॉर्मूला आप सीखना चाहते हैं तो मुझे आप लिस्ट भेज दीजिएगा, लेकिन लिस्ट सर संडे तक भेज दीजिएगा, क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ ऐसे फॉर्मूले मैंने यूज ना किए हों तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ऐसा तो कभी चांस है मे भी हो सकता है सर, मे भी इंसानी मैं भूल गया हूँ,